तो गाइस यहीं पे हम लोग रहते हैं, जो आप लोग घर देख रहे हैं पीछे, और बाकी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये रोड वोड भी पूरा गया हुआ है। और ये जो रोड गया है ये खैरन टोली का रोड है। बाकी आप लोग देख सकते हैं एक और यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो गाइस ये वीडियो जो है मतलब नॉर्मली ऐसे ही दिखा देंगे, लेकिन अगर आप लोग को होम टूर चाहिए तो ये वीडियो को कन्फर्म आप लोग लाइक करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी सिमडेगा से है, जितने भी कोई सिमडेगा से है, सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। हम लोग का कॉलेज वहाँ है, दैट्स माय कॉलेज। बैक my bed तो यहाँ पे मकान मालिक का बगीचा है और यहाँ पे मकान मालिक का कुआं है, और इस टाइप से पूरा देख सकते हैं। और ज़्यादा ही कुहासा है और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। कॉलेज के जस्ट बगल में ही रूम मिला है, तो कॉलेज तो खैर अच्छा ही है, मतलब कि रूम तो खैर अच्छा ही है और रहने में मज़ा आता है। और पहले हम दूसरा जगह रहते थे और अभी हम शिफ्ट हो गए हैं, कुछ कारण बस हमको शिफ्ट होना पड़ गया, बाकी सब सही है। और मौसम जो है बहुत ठंड है, बहुत पता नहीं यार मेरा वीडियो में स्टेबलाइज़र नाम का चीज़ है अभी नहीं समझ में नहीं आता। 4K में बना रहे वीडियो फिर भी स्टेबलाइज नहीं होता यार, क्या सीन है पता नहीं। ये जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, आप लोग को तो ये व्लॉग में पता चल ही गया होगा। और यहाँ पे आप दिखाइए थोड़ा, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ का कुछ इस टाइप का नेचर है। और बाकी देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ा जूम भी कर दीजिएगा, झोपड़ी ऊपरी भी है यहाँ पे, और बहुत मतलब बहुत क्लीन जगह है। और यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लीन जगह है। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, वहाँ पे पहाड़ जो आप लोग देख रहे हैं वो वाला, तो आप लोगों को जो भी सिमडेगा में रहते होंगे आप लोगों को वहाँ पे बहुत जाने का मन करता होगा। वहाँ पे जो है मेरा एक फ्रेंड गया हुआ है, तो आप लोग को वो फ्रेंड का इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पे एक मंदिर है जो कि शंकर भगवान का है और काफ़ी बहुत अच्छा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज चढ़े पहाड़ पे हम लोग, और वो देख सकते हैं, एक मिनट आपको दिखाते हैं हम लोग, अब जूम आउट नहीं हो रहा है, उधर है हम लोग का कॉलेज और ये पहाड़ पे, और वहाँ पे है मंदिर। ऊपर चल के देखते हैं कैसा है मंदिर, बहुत कम लोग आते हैं इसलिए यहाँ पे कुछ रास्ता वास्ता नहीं है, ग्रिल गेट है और पेंट किया हुआ है बस, अंदर कौन सा भगवान है नहीं पता, जाके देखते। तो ये है सिमडेगा कॉलेज और ये पूरा व्यू, और ये पहाड़ पे आ गए हम लोग, और ये यहाँ पे है पहाड़ पे एक मंदिर, मंदिर का क्लियर व्यू देख सकते हैं, रेड रेड है, गेट भी है और आगे चल के देखते हैं। तो चलिए चढ़ते हैं पहाड़ पे, थोड़ा संभल के यहाँ पे, मतलब आना जाना नहीं है किसी का।
बट यहाँ पे कौन से भगवान है भाई? काली माँ। काली माँ? हाँ देखिए गुफा जैसा है, ये ग्रिल गेट लगा हुआ है। कौन से भगवान है सुमन? अबे अंदर जाके देखने, चप्पल खोल के जाए। सैंडल खोल लो। भगवान क्या है, तुम ऐसे जाएंगे? कौन से भगवान है पूछ रहा है, बता ना। सीधा उतरेगा जैसे आया वैसे उतरेगा। अंदर कोई है तो नहीं, भगवान दिख तो नहीं रहे। हाँ एक नाग दिख रहा है और भोले बाबा दिख रहे। रुके जूम करके दिखाते हैं आपको। आशा करते हैं कि यहाँ कुछ होना। देखिए भगवान है ये, ये भगवान है। वहाँ पे नाग देवता है, नाग का है। और कोई आता नहीं है पूजा करने जल्दी यहाँ पहाड़ के अंदर। देखिए अंदर गुफा है जाने का, लाइट भी आ रहा है देख सकते हैं आपको। देखिए एक लाइट आ रहा है वहां से, बट कोई जा नहीं पाएगा। और ये भगवान है सब। बाहर निकलते हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। छोटा सी जगह है देख लीजिए। और ये पूरा गुफा है, मतलब जाने का जगह नहीं है अंदर, बस इतना चढ़ सकते हैं। पूरा लाल लाल पता नहीं पेंट है या क्या है। फिर आगे ब्लॉक है। मंदिर के बाहर निकल गए हैं। छोटा सा मंदिर है, मतलब मंदिर का गुफा में ही काट के बना दिया गया। और देख सकते हैं मंदिर, मतलब पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, इधर जंगल है, बस थोड़ा सा साफ सुथरा हुआ है। और ये पहाड़ पे देख सकते हैं। और अब उतरेंगे नीचे, देखते हैं किधर से रास्ता है। सर रास्ता तो पता है बट बहुत ऊपर है और कोई आता नहीं है, इसलिए कोई केयर नहीं करता। देख सकते झंडा लगा हुआ है बस। और ये ग्रिल गेट है, खुला पड़ा है, कोई पंडित वंडित नहीं है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आप लोग ये जो पहाड़ देख रहे हो उसके जस्ट बगल में देखिए वो है हम लोग का कॉलेज। जूम कर दीजिएगा, ये देख सकते हैं ये वाला जो है हम लोग का कॉलेज है। और हम लोग यहीं पे जाते हैं पढ़ने के लिए। और आइए थोड़ा सा सामने के लिए। और वहाँ पे जो है आप लोग ये देख सकते, वहाँ पे देखिए पहले ये जो रोड गया हुआ है ये पूरा खैरनटोली का रोड है। और अगर आप लोग सिमडेगा आते तो देख लीजिए, थोड़ा हम आपको अपना वीडियो से दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग को जैसे कि हॉस्टल अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है जीपी सिमडेगा आने के बाद, तो आप लोग वहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक है। और आगे सबसे पहले आइएगा तो हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको हम कहीं ना कहीं सेटल करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। और अगर वहाँ थोड़ा दिखा दीजिएगा। और गाइज अभी अभी और प्लान बन रहा है, ठीक है। अभी हम लोग अपना टीम लोग के साथ जितना भी है वहाँ से पूरा आप लोग को घूम के पूरा अच्छा से दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और सारा कुछ समझाएंगे कि कहाँ से अगर आप लोग कहीं से भी आते हैं तो कहाँ पे आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।